हे गाइस, व्हाट्सअप कैसे हैं आप? चलिए इस वीडियो में लोग जानते हैं कि आप अपना आधार को अपने एक्सिस बैंक से किस तरह से लिंक करवा पाइएगा। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान में रख लीजिए कि आपका जब भी एक्सिस बैंक खुला होगा, तो जैसे हमारे केस में हमारा एक्सिस बैंक जब ओपन हुआ था, जो बेंगलोर का एड्रेस में था जहाँ हम काम कर रहे थे, वहाँ पर ही हमारा सैलरी अकाउंट खुला था। लेकिन वहाँ से आने के बाद वो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो गया था। तो हम उसको रन कर रहे थे, हम उसको चला ही रहे थे, लेकिन हमारा वो जो अकाउंट खुला था वो वोटर आईडी कार्ड से खुला था, जिसमें हमारा एड्रेस से रिलेटेड या हमारे नाम से रिलेटेड कुछ भूल था, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक था। तो आधार कार्ड तभी आपका अपडेट होगा जब वो डेटा मैच होगा। अगर डेटा मैच नहीं होगा तो आपका आधार कार्ड भी इसके साथ परफेक्टली लिंक्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वही डेटा खोजेगा जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में होगा। तो उससे पहले, आधार को लिंक करवाने से पहले, हमको हमारे पास सबसे पहला काम होगा कि हम अपना डेटा को ठीक कर लें। हमारा नाम में मिस्टेक हो या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो या एड्रेस में मिस्टेक हो। तो फिलहाल मैं कोलकाता में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ को मैं पहले अपडेट कर लूँ, उसके बाद ही हम आधार को लिंक करवाएंगे तो वो सेम डेटा को फेच कर लेगा और आधार कार्ड आराम से लिंक हो जाएगा। एक्चुअली एक्सिस बैंक का सर्विस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इससे पहले आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस जो एविडेंस प्रूफ के तौर पर रहेगा, उसको आप स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर में रख लीजिए माने पिक्चर फॉर्मेट में, और उसको हमको पारी पारी से अपलोड करने पड़ेगा, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो पैन हो, चाहे वो आपका नाम से रिलेटेड हो। तो हम लोग आज इस वीडियो में वही देखेंगे। और आधार को लिंक करवाने से पहले सबसे पहले हम लोग अपना डेटा को सही करेंगे, और इसमें एक दिन का रिव्यू का समय लेता है। और इसके बाद आपको कुछ रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिससे रिलेटेड जो जो चीज़ आप अपडेशन करवाना चाहते हैं, तो ये होने वाला है। तो चलिए अब आज हम लोग इस वीडियो में वो देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे वीडियो में डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक्सिस बैंक के अकाउंट में लॉगिंग हो जाइए, जो आपका कस्टमर आईडी है, उससे आप लॉगिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको जाना है इस्ता सर्विस में। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो उससे भी आपको इस्ता सर्विस में जाना है, सर्विसेज से इस्ता सर्विस। यहाँ जाने के बाद आपके मोबाइल में एक सिक्योरिटी कोड आएगा, उसको देख के आप इसे फिल कर दिए। फिल करने के बाद प्रोसीड में क्लिक, अगर नहीं आता है तो सेंड में कीजिएगा, फिर से और एक बार आएगा। तो चलिए आपके सामने फिलहाल 3 ऑप्शन आ जाता है, एक आपका प्रोफाइल का है, दूसरा कॉन्टैक्ट का है, तीसरा अकाउंट का है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमको आधार कार्ड को तो अपडेट करना है, तो करना क्या होगा। इससे पहले आपका जो भी डेटा उसमें हो सब अप टू डेट होना चाहिए, तभी आपको आधार डेटाबेस सर्वर्स को फेच करके लिंक करवाएगा। अगर कुछ भूल है तो नहीं हो पाएगा आधार डायरेक्टली आपका इसमें। तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि हम आधार कार्ड को कैसे लिंक करेंगे। उससे पहले हमको ये भी देखने पड़ेगा हमारा एड्रेस, हमारा नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले आधार को ही लिंक करने का कोशिश करते हैं, और उसमें क्या गड़बड़ होता है हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग आधार में जाते हैं और आधार नंबर हम लोग डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम अपडेट में क्लिक करते हैं। तो देखिए अपडेट में क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको बता दे रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो भूल है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड से हुआ था, और 10 में से 8 वोटर आईडी कार्ड जिसका इसका बना होगा कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा 100%। तो फिलहाल ये मिस्टेक्स है। तो फिर से हम प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ से पारी पारी से हम जो भी चीज़ मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे नाम का स्पेलिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को कलेक्ट करते हैं और उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए आप तमाम सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर में रख लीजिए सेव करके, क्योंकि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, क्या डेट ऑफ बर्थ आप डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ को पहले ये करते हैं, और हमने कंप्यूटर में अपना सब कुछ रख लिया है। यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और यहाँ से हम फाइनली इंटर करते हैं अपडेट में। अब यहाँ से पूछ रहा है आप डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहेंगे। तो अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट
यहाँ से ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हम आधार कार्ड में हमारा डेट ऑफ बर्थ सही है, पैन कार्ड में भी सही है, पासपोर्ट में भी सही है, तो हम तमाम चीज़ हम स्कैन करके रख चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड दे देते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ से अपडेट करते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस नंबर आ जाता है, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर, जो एक दिन का समय लेगा और उसके बाद वहाँ से रिव्यू करने के बाद बता देगा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ मैच किया है कि नहीं। अब देखिए, ये हमारा जो था बेंगलोर का एड्रेस था और मैं फ़िलहाल अभी कोलकाता में हूँ, तो हमारा एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही आप एड्रेस में जैसे ही जाइएगा अपना प्रोफाइल वाला सेक्शन में, तो आपको यहाँ पर ही जो जो चीज़ आपको दिख रहा है या फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप उसको भर लीजिए आराम से। तो चलिए हमने भर लिया और अपडेट में क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ से भी हमको एक डॉक्यूमेंट को इसके साथ अटैच करने पड़ेगा। तो हमारा पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, तो हम अपना पासपोर्ट को ही यहाँ अटैच कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये अटैच हो रहा है। अटैच होने के बाद हमको अपडेट में क्लिक करना होगा। तो अपडेट में क्लिक करने के बाद हमको दूसरा रेफरेंस, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मिल जाता है और फिलहाल यहाँ सक्सेस हो गया, लेकिन रिव्यू में एक दिन का समय लगता है, एक दिन के बाद आपका इसमें हो जाएगा। अब क्या था, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये हो गया। अब हमारा नाम में कुछ प्रॉब्लम था, तो देखिए हमारा नाम मोहम्मद MD हम लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर मोहम्मद पूरा लिखा हुआ है, वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से ये वाला हमारा अकाउंट खुला था, तो हमको MD लिखना है। और इसमें हम अपडेट करते हैं और हमारा वोटर आधार कार्ड को ही ले लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में हमारा MD है, पैन कार्ड में हमारा MD है। तो चलिए हम यहाँ से अपना आधार कार्ड को ही अटैच कर देते हैं, हमारा नाम का स्पेलिंग भी सही हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए हमारा फिर से एक रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर मिल जाता है। अब चलिए पैन को भी EKYC को हमको ये करना है और पैन वगैरह सब लिंक करवाना है। तो सबसे पहले तो आपका जो बेसिक चीज़ है वो आप देख लीजिए, उसको पूरा कर लीजिए। अगर सब आपका ठीक रहेगा तो आप डायरेक्टली आप आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ये चीज़ भी कर लेते हैं और यहाँ से सब कुछ करने के बाद आपका हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपका तमाम चीज़ यहाँ हो जाना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली आप अपने ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद है, आपके लिए जानकारी भरा हो, तो लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब कर लीजिए छोटा मोटा अपडेशन के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।